तो हम बात कर रहे थे बेटा थर्मल एक्सपेंशन की, और आज लिखेंगे थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन व्हेन ends of rod are rigidly fixed. अब यहां पे बेटा तो टर्म आए हैं स्ट्रेस, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड दैट इज फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. हाँ, इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रेशर बट नॉट एग्जैक्टली प्रेशर. ठीक है, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया. नहीं, फोर्स नॉर्मली ही लेना है आपको. ठीक है, ये थोड़ा सा जब सॉलिड अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास तो डिस्क्लेयर हो जाएगा. स्ट्रेस इज एफ अपॉन, अभी इतना याद कर लीजिए. एंड स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ. ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई रॉड है, आपने ये फोर्स लगाया और इसको जो है आपको डिफॉर्म करने के लिए दोनों साइड से फोर्स लगाने होंगे. एक साइड से तो फोर्स आपको पता है कि उससे कहीं भी डिफॉर्म नहीं होता. ठीक है, तो आपने ये फोर्स एफ लगाया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए है ए, तो स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया. ये समझ में आया. सिमिलरली बेटा ये फोर्स आपका ऐसे भी लग सकता है, ये स्ट्रेच करेगा, ये कंप्रेस करेगा. दिस इज नोन एज कंप्रेसिव फोर्स, दिस इज नोन एज टेंसाइल फोर्स. ठीक है, तो एफ, ये समझ में आया बेटा. ठीक है, तो स्ट्रेन या स्ट्रेस तभी कहा जाता है जब फोर्स लेंथ को चेंज करे. दोनों साइड से फोर्स लगाया आपने, आप उसे चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे तो कंप्रेस कर सकते हैं. क्लियर? और इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज यंग्स मॉडुलस, वाई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन. हाँ, ठीक है. अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बना एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल. क्लियर? तो आपका एफ क्या आ गया बेटा, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, या आप इसको कह सकते हैं वाई ए एप्सिलॉन. ये समझ में आया? ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज थी जो मैंने आपको यहां पे इंट्रोड्यूस कराई. बाकी इसको हम डिटेल में भी सॉलिड फ्लूइड पढ़ेंगे, उस समय आएगा, क्योंकि मैंने आपका थर्मल एक्सपेंशन आपको पहले पढ़ा दिया है, इसलिए ये वाला टर्म जो है अभी इतने से आपको आइडिया आ जाएगा. जब स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन, तो क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में वही पढ़ना है. ठीक है, ओके, आगे बढ़े. ओके ना, अब बड़ा क्वेश्चन है. मान लीजिए मेरे पास एक रॉड रखी हुई है और मैं इसका टेम्परेचर रेज कर दूं, तो स्ट्रेन कितना होगा? अल्फा दिया हुआ है आपको, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है, और इनिशियल लेंथ एल दी हुई है. तो अगर आप देखेंगे तो आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी. हाँ या ना, पढ़ा है ना ये? हाँ, बस ये मत करना. मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, स्ट्रेन या स्ट्रेस कब कहा जाता है, जब फोर्स लग रहा. ये खाली रखी हुई है, ये रॉड पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसकी एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसमें थोड़ी स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप होगा. स्ट्रेस या स्ट्रेन कब डेवलप होगा, जब कोई फोर्स लगे. आया समझ में? ठीक है,
स्ट्रेन कितना होगा, इस केस में जीरो होगा, ठीक। अब देखिए इस पे हम स्ट्रेस देते हैं, कैसे देंगे, हमने एक एक या दो ले लो रिजिड वॉल्स ले ली, रिजिड वॉल्स मतलब ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, और इसके बीच हमने एक वॉल के बीच में दो रिजिड वॉल हैं, रिजिड वॉल्स, इनके बीच में हमने एक रॉड फिक्स कर दी जिसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इनिशियल टेम्परेचर था T, ठीक है, आपने टेम्परेचर डेल्टा T से इंक्रीज कर दिया, क्या होगा, अगर ये रॉड यहां पर होती तो क्या होता, वॉल नहीं होती तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती, L प्लस डेल्टा L, तो आप इसको रिवर्स में कह सकते हैं कि एक्चुअल में क्या था, इतनी लेंथ थी, आपने इसे कंप्रेस करके कितना बना दिया L, ये समझ में आया, ये रिजिड वॉल ने क्या किया बेटा, जब ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी तो ये इधर से क्या लगाने लगेगी, नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स किसका काम करेगा, इसको कंप्रेस करने, समझ में आया, तो इस पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, कौन सा स्ट्रेन डेवलप होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन, ये समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज अल्फा, ओ व्हाट इज एप्सिलॉन, डेल्टा एल बाय दैट इज इक्वल टू, ये समझ में आया। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं सर लेंथ तो L प्लस डेल्टा L थी, इट डजेंट मैटर ये डेल्टा L क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, तो आप ये मान सकते हैं कि L प्लस डेल्टा L से डेल्टा L कम हो गई, या L लेंथ में से ही डेल्टा L रिड्यूस हो गई, ये समझ में आया। L प्लस डेल्टा L इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्लियर, तो बेटा आज के बाद याद रखेंगे जब भी रिजिड वॉल पे होगी तो एप्सिलॉन कितना आएगा, अल्फा डेल्टा टी, क्लियर, ठीक है जी। स्ट्रेस कितना लगेगा, सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन, यही फॉर्मूला था, देखिए अभी लिखा है, कोई याद ना हो कोई बात नहीं, अभी अभी लिखा हमने, तो ये कितना हो जाएगा वाई अल्फा डेल्टा टी, और फोर्स क्या हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वाई ए एप्सिलॉन था, सिग्मा इज वाई अल्फा डेल्टा टी, सिग्मा की जगह एफ बाय ए रखिए, एफ कितना आ जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। ये फोर्स कौन सा है पता है आपको, जो रॉड वॉल पे लगा रही है या वॉल रॉड पे लगा रही, दोनों में से कोई भी फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर इसको डेल्टा टी अमाउंट से रेज कर दिया गया टेम्परेचर को, तो उस पर कितना फोर्स वॉल लगाएगी, तो दैट इज सिंपली वाई ए अल्फा डेल्टा, समझ में आ गया। तो ये थर्ड पॉइंट था बेटा, ठीक। फोर्थ पॉइंट है, ये दो थे ना, पहला हमने किया था एवरी डायमेंशन इंक्रीजेस होल वाला, दूसरा किया था डेंसिटी, ठीक है, थर्ड किया ये, फोर्थ लिखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ब्रैकेट में लिखिएगा मेटालिक स्ट्रिंग, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या था, वेरी गुड, टू बाय अंडर रूट एल बाय जी।
अब बेटा ध्यान रखना है यहाँ टी टाइम पीरियड के लिए यूज हो रहा है, ठीक है? तो टेम्परेचर के लिए थीटा यूज करेंगे, टेम्परेचर के लिए टी मत कर देना, नहीं तो टेम्परेचर के साथ टाइम को काटोगे और नई चीज बना दोगे, ठीक है? हाँ बेटा, आपने ये था थीटा टेम्परेचर पे, इसको मैं कह रहा हूं टी थीटा, टाइम पीरियड एट थीटा टेम्परेचर, ठीक है? तो टाइम पीरियड थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर रेज करने का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? लेंथ पे, कितना? एल वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा अपॉन जी, जी पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये समझ में आ गया? दोनों को डिवाइड कर दो बेटा। अच्छा पहले तो वैसे ही देख के बता दो, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, ठीक है? घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी? घड़ी स्लो होगी। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब घड़ी का स्लो, ये समझ में आया? ओके, तो अब देखें, टी थीटा प्लस डेल्टा थीटा अपॉन टी थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड बाय वर्स्ट कर दिया हमने, 2π 2π उड़ गया, L/G भी उड़ गया, क्या आ गया? अंडर रूट वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, ओके, क्लियर है? देखो अब इसको याद कैसे रखना है, टी थीटा प्लस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू टी थीटा, वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा टू दी पावर हाफ, ठीक है? एल्फा डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल, क्यों? एल्फा का ऑर्डर बताया था मैंने आपको, 10^-5 होता था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? टी थीटा वन प्लस हाफ एल्फा डेल्टा थीटा, स्ट्रेट क्वेश्चन मिलेंगे इस पे आपको, ठीक है? तो इसका मतलब टाइम पीरियड के लिए जो थर्मल कोफिशियंट है वो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू एल्फा, बस ये याद रखना है, बाकी तो बिल्कुल वैसे ही देखिए, एल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, समझ में आया? क्लियर है? अच्छा इसी पे एक चीज और लिख लेते हैं, कई बार इसको ऐसे दे देते हैं बेटा, डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या गया? चेंज इन टाइम पीरियड, दैट इज टी थीटा हाफ एल्फा डेल्टा थीटा, ये समझ में आया? इसको ओपन करो, इसको इधर ले आओ, तो डेल्टा टी चेंज इन टाइम पीरियड इज ओरिजिनल टाइम पीरियड इंटू हाफ एल्फा इंटू डेल्टा थीटा, जैसे डेल्टा एल था ना, एल एल्फा डेल्टा थीटा, एल्फा की जगह यहां क्या आएगा? क्योंकि पावर क्या थी? हाफ, एल की पावर हाफ आई थी ना, एरर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, आया समझ में? डाउट तो नहीं है? ओके आगे बढ़े, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन मेटालिक स्केल, ठीक है? मान लीजिए बेटा मेरे पास दो पॉइंट हैं, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू, ठीक है? अब मान लीजिए मेरे पास एक मेटालिक स्केल है, ये इसका जीरो है, इस पे इस तरह से मार्किंग होगी,
सपोज इस समय ये स्केल कैलिब्रेटेड है, कैलिब्रेटेड मतलब इस पॉइंट पर इस पे मार्क लगाए गए हैं, एंड लेट्स से दैट टेम्परेचर इज, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज इट इज 20 डिग्री सी, ठीक है, स्केल पे जो मार्क्स लगाए गए वो एक्चुअल जो मार्क्स स्टैंडर्ड को लेके वो पढ़ा था ना लैब में, वो एक रखा हुआ है कहीं, ठीक है, तो उस पे जो मार्किंग की हमने वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मार्किंग कर दी, ठीक। अब ये मेटल का स्केल था, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ये जो है यहां आ जाएगा, थोड़ा बढ़ा के दिखा रहा हूं, ठीक है ना, ये जो पॉइंट था बेटा ये स्टार वाला, ये यहां कहीं पहुंच गया होगा, ये स्टार वाला पॉइंट यहां कहीं पहुंच गया होगा, तो आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी, नहीं इनडायरेक्ट तो है, कम या ज्यादा, रीडिंग कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने पे स्केल बढ़ गया लेकिन ये पॉइंट अपनी जगह रहे, ठीक है, तो इस वैल्यू को क्या कहेंगे, मेजर्ड वैल्यू, ये तो क्या रहा, और ये क्या है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। जाड़ों में क्या होगा, मान लीजिए 9 डिग्री आ गया, आजकल चल रहा है, रात में पढ़ रहे हैं, लैब में बैठे हुए हैं, टेम्परेचर खिड़की खुली रह गई, टेम्परेचर 5 डिग्री पहुंच गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, ये जो स्टार वाला पॉइंट है यहां कहीं आ जाएगा, आपकी रीडिंग क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल आते हैं तो वहां एकदम से कंफ्यूजन आता है, अरे यार कम होगी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला इसके लिए आपको दे रहा हूं, और इस फॉर्मूले से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये याद रखना ट्रू वैल्यू उधर है, ठीक है, स्केल रीडिंग मेजर्ड वैल्यू, ठीक, समझ में आया, क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए आपका टेम्परेचर बढ़ा, डेल्टा टी पॉजिटिव है, ये वाली केस की बात करते हैं, ये क्या होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा, स्केल रीडिंग ट्रू वैल्यू से कम हो जाएगी। अगर डेल्टा टी टेम्परेचर नीचे गया तो डेल्टा टी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, स्केल रीडिंग ट्रू वैल्यू से ज्यादा, समझ में आया, ठीक है। और वो पूछेगी किस टेम्परेचर पे एक्चुअल रीडिंग आएगी या किस टेम्परेचर पे कितनी रीडिंग आएगी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, एक बार में आंसर आ जाएगा, क्लियर। ठीक है जी, अब बेटा हो गया, कितने हो गए, 5, 6 जो है उसमें हमारे पास एक नहीं दो रॉड है, ठीक है, एक रॉड है इसकी लेंथ है L1 alpha 1, दूसरी रॉड है इसकी लेंथ है L2 और इसका कोफिशिएंट है alpha 2, क्लियर। L1 प्लस L2 द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू रॉड्स, ठीक है, शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कंडीशन फॉर सम ऑफ लेंथ ऑफ टू रॉड्स, कंडीशन फॉर सम ऑफ लेंथ ऑफ टू रॉड्स should be independent of temperature, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब मैं temperature raise करूंगा
डेल्टा टी से मैंने टेम्परेचर रेज किया, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 11 1 प्लस अल्फा, और इसकी कितनी हो जाएगी? L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो दोनों का सम क्या आ जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस L1, ओके यहाँ अल्फा 1 या अल्फा 2 होगा, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। ये समझ में आया बेटा? दैट इज व्हाट L1 प्लस, यही तो कहा था। आप चाहो तो ऐसा लिख लो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब इसको कुछ भी कर दो आप, ये लेंथ हमेशा L1 प्लस L2 होगी। या दूसरे केस में आप क्या कह सकते हो? दिस टर्म शुड बी जीरो। भाई देखो ना, ये कट गया, ये कट गया, क्लियर। अब ये टर्म क्या है? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। और आपको पता है डेल्टा टी तो जीरो है नहीं, तो कौन जीरो होगा? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू जीरो। तो कंडीशन क्या आ गई? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू जीरो। अरे L1 प्लस L2 बराबर ये आ गया, ये इक्वल है, इक्वल है। तभी तो कहा कि कुछ भी टेम्परेचर हो जाए लेंथ क्या रहनी चाहिए? L1 प्लस L2 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया बेटा? चाहे T टेम्परेचर हो, चाहे T प्लस डेल्टा T हो, लेंथ हमारी क्या रहनी चाहिए? L1 प्लस L2, ओके, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ गया। बेटा नेक्स्ट ईयर एक बार ये क्वेश्चन आया, नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या कहा? डिफरेंस ऑफ टू रॉड्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्या होगा यहां पर? माइनस आया, समझ? ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसको मतलब समझो बेटा, यहां पे क्या हो रहा था? दोनों का सम बराबर था, यानी एक अगर बड़ी हो रही होगी तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? छोटा। आया समझ में? इसका मतलब एक अल्फा क्या होगा? नेगेटिव। एक एक्सपेंड हो रही होगी तो एक को श्रिंक होना। यहां पर डिफरेंस की बात है, इसका मतलब जो भी चेंज आया, एल वन अल्फा वन डेल्टा टी इज इक्वल टू एल टू एल्फा टू डेल्टा टी, ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्लियर। तो क्या जाएगा हमारा आंसर डिफरेंस के लिए? एल वन एल्फा वन माइनस एल टू एल्फा टू इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया? हाँ, उसी में दो टाइप के क्वेश्चन बन गए। एक में आपसे कहा कि दोनों की लेंथ का सम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और एक में आपसे कहा कि दोनों की लेंथ का डिफरेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? अब इस तरह से आपको दो एरिया भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, दो एरिया दे दिए गए, उसको देख लीजिए। क्लियर? समझ में आ गया? दो प्लेट दे दी गई, डिस्क दे दी गई, इसी तरह से दो वॉल्यूम दे दिए गए, दोनों का वॉल्यूम सेम रहे। ठीक, ओके। वॉल्यूम में जनरली नहीं आता, ये लेंथ पे ही क्वेश्चन आता है। वॉल्यूम पे जो क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट पॉइंट है। लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड इन सॉलिड कंटेनर।
एक सॉलिड कंटेनर है, ठीक है, ग्लास का मान लीजिए बीकर, और इसमें आपने मरकरी डाल दिया है, सबसे कॉमन एग्जांपल ये है, ठीक है, ये एच जी और ये ग्लास, ये कोई कुछ भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, आप कुछ भी चीज जा सकती है, क्लियर है। अब देखिए बेटा, इसका वॉल्यूम मान लीजिए क्या है, वी नॉट, तो लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या होगा, वी नॉट, पूरा भरा हुआ है, हिंदी में बोले तो लबालब, ओके, सो वी नॉट इज इक्वल टू वी सॉलिड प्लस एंड इक्वल टू वी लिक्विड, ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या था, ठीक है। अब बेटा आपने डेल्टा टी टेम्परेचर रेस कर दिया, नाउ व्हाट इज वी लिक्विड, इसे न्यू लिख दे रहा हूं बेटा, हाँ, लिक्विड का नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी नॉट वन प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, ये समझ में आया बेटा, और V सॉलिड न्यू क्या हो जाएगा, V नॉट वन प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी, इज इट क्लियर, ठीक है जी, क्लियर है। अब सोचो अगर तीन केस बनेंगे, पहला केस है VL, सॉरी गामा एल इज ग्रेटर देन गामा सॉलिड, गामा एल इज ग्रेटर देन गामा सॉलिड, यानी लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया और सॉलिड का वॉल्यूम कम रह गया, लिक्विड क्या करेगा, स्पिल आउट, ओके, तो इस केस में लिक्विड स्पिल आउट, ठीक है, और कितना लिक्विड स्पिल आउट करेगा, वी नॉट गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड इंटू डेल्टा टी, ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने, इसमें से बेटा इसको माइनस कर दो, तो वी नॉट माइनस हो जाएगा, वी नॉट गामा एल डेल्टा टी माइनस वी नॉट गामा एस डेल्टा टी, ठीक है। अब बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गामा एपरेंट, व्हाट इज गामा एपरेंट, गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड, इसका मतलब समझना बेटा, एक्चुअल में जब आप हीट अप करोगे तो आपको इसके वॉल्यूम का पता नहीं चलेगा, आप देख के थोड़ी बता सकते हो हल्का सा वॉल्यूम में चेंज हुआ, आप ये थोड़ी ऐसा थोड़ी कि इतना बड़ा ऐसा हो गया फूल के, ठीक है, लेकिन आपको लिक्विड बाहर गिरता हुआ दिख रहा है तो आपको ये लगेगा कि भाई जो बाहर गिरा उतना किसका एक्सपेंशन हुआ, लिक्विड, आया समझ, क्लियर है। तो इसको क्या कहते हैं, गामा एपेरेंट, गामा एपेरेंट इज गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड, ठीक है, ये केस वन था, केस टू इक्वल, बिल्कुल सही बात है भाई, इक्वल कर लेते हैं, चलिए गामा लिक्विड इज इक्वल टू गामा सॉलिड, गामा एपेरेंट कितना हो जाएगा, जीरो, इसका मतलब आपको कुछ भी पता, क्योंकि तो बाहर कुछ गिरेगा नहीं, ओके, तो डेल्टा वी इज जीरो, ठीक है, तो आपको कोई चेंज पता नहीं चल पाएगा, although there is a change, वॉल्यूम दोनों के चेंज हो गए, लेकिन दोनों के वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम चेंज हुए होंगे, तो हाइट बिल्कुल सेम जैसा पहले था बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इज इट क्लियर। और थर्ड केस है बेटा, गामा लिक्विड इज लेस देन गामा सॉलिड, अब गामा एपेरेंट क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव, हाँ, डेल्टा भी नेगेटिव होगा ऐसा आपको लगेगा, अपियर होगा, क्या लगेगा, सोचो ना, सॉलिड तो ज्यादा बढ़ गया, लिक्विड इतना नहीं बढ़ा, तो इसकी हाइट क्या होगी, आपको कम लगेगी, ये मैं बिटा रहा हूं, मिटेगा नहीं, बस वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका
वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, आया समझ में? तो इसको क्या कहेंगे, आपको क्या लगेगा कि मेरा लिक्विड जो है वो कम हो गया, गापा अपेरेंट क्या आ गई, टेम्परेचर बढ़ने के साथ नेगेटिव आ गया, बट रियलिटी में क्या हुआ है, गामा लिक्विड भी, सॉरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी इंक्रीज हुआ, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो इंक्रीज हुआ दैट इज मच मोर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज, इज इट क्लियर? ओके, तो क्या होगा, हाइट ऑफ लिक्विड विल कम डाउन, आपको लगेगा ये कम हो गया वॉल्यूम, आया समझ? ओके, ठीक है जी, डेल्टा वी नेगेटिव नहीं होगा, डेल्टा वी आपको नेगेटिव लगने लगेगा, ओके okay? हाँ, आप अगर उसको वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड ये नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा वी अगर आप इसे कह रहे हैं, ठीक है, अब इसमें बेटा आपको क्वेश्चन आएगा, आपको पहले से ही बता दूं, अल्फा सॉलिड दिया होता है, इसकी ट्रिक ही है ये, गामा सॉलिड ना देके कई बार क्या करते हैं अल्फा सॉलिड दे देते हैं, तो आपको गामा सॉलिड क्या लिखना पड़ेगा, गामा एपरेंट क्या हो जाएगा, गामा लिक्विड माइनस थ्री गामा थ्री अल्फा सॉलिड, और आपको वॉल्यूम दिया होगा कंटेनर में, तो कहेगा कि अगर मैं 25 डिग्री से 30 डिग्री कर दूं टेम्परेचर तो कितना मर्करी बाहर गिर गया होगा, तो डेल्टा टी 5 आ गया, ये आपको पता चल गया, ओरिजिनल वॉल्यूम आपको पता होगा, ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा, ये फ्रैक्शनल बाहर जो आएगा डेल्टा वी अपॉन वी या वी नॉट, दैट इज गामा एपरेंट डेल्टा टी, कितना फ्रैक्शन गिर गया हो, क्लियर है? तो ये भी हो गया जी, कितने हो गए 7, एर्थ लिखो, अब थ्रस्ट याद है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अपथ्रस्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अपथ्रस्ट, बेटा इस पर दो केसेस हैं, केस वन जो है उसमें आपकी बॉडी फ्लोट कर रही है, ठीक है, और आपने टेम्परेचर रेस किया तब भी बॉडी फ्लोट कर रही है, लिख लीजिएगा, अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, तो ये जो बॉडी है ये सॉलिड बॉडी है और ये आपकी लिक्विड है, ठीक है, फ्लोटिंग की कंडीशन याद है क्या थी, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू एम जी, ये फ्लोटिंग की कंडीशन थी बेटा, ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपने टेम्परेचर रेज कर दिया डेल्टा टी एंड स्टिल इट इज फ्लोटिंग, ठीक है, टेम्परेचर रेज करने का मतलब सॉलिड का भी कुछ चेंज हुआ होगा और लिक्विड का भी कुछ डेंसिटी में भी चेंज आया होगा, वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, तो क्लियर है, आपको मुझे बताना है अपथ्रस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ आपके सामने है, क्यों, टेम्परेचर से मास और जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अपथ्रस्ट पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं आएगा जब तक ये फ्लोट कर रहा है, समझ में आ गया, हाँ या ना, लिखिएगा,
नो चेंज इन अपथ्रस्ट इफ द सॉलिड रिमेन्स फ्लोटिंग. Because upthrust is equal to mg. हाँ, ये हो सकता है ये थोड़ा बाहर निकल आया हो या थोड़ा अंदर चला गया हो, depends on gamma solid and gamma liquid, उनपे क्या effect पड़ा. ठीक है, ये समझ में आया last वाली line जो मैंने बोली. बेटा अपथ्रस्ट होता क्या था याद है? अपथ्रस्ट वी लिक्विड नहीं बेटा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. ठीक है, अब बेटा अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे तो फर्क पड़ रहा है ना. ठीक है, तो मान लीजिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो रही, एमजी पे तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेंसिटी क्या होती थी? डिक्रीज होती थी. ठीक है, तो अगर डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बढ़ना चाहिए, यानी ये किधर आना चाहिए? नीचे के, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ये होता है जितना सबमर्ज पार्ट है, जितना डूबा हुआ है, ये क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना. ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा लिक्विड है जिसका गामा जो है वो नेगेटिव. ठीक है, तो अब क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड की डेंसिटी भी बढ़ेगी, जो आपका वाटर के केस में होता है 0 to 4 degrees पे. समझ में आ रहा है? अब क्या होगा? इसका मतलब ये ऊपर आ रहा हो. तो इट डिपेंड्स ऑन गामा लिक्विड. गामा लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पर डिपेंड करेगा. क्लियर है? हाँ या ना? मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपथ्रस्ट को बराबर बनाए रखने के लिए, एमजी बनाए रखने के लिए, ये ऊपर या नीचे जा सकता है. ठीक है, जनरल केस में क्या होगा? इसे नीचे बैठना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर रेज करने के साथ डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होगी. डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बढ़ना चाहिए, तभी तो बराबर आएगा. है ना? डाउट है? ठीक है, ओके. अब दूसरा केस है, जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो. ठीक है, केस टू, बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड. अपथ्रस्ट कितना होगा? वैसे तो फॉर्मूला था वी लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी, यही था. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी, सॉरी यहां लिक्विड होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. ये क्लियर हो गया? हाँ या ना? अब बेटा जब मैंने अपथ्रस्ट टी प्लस डेल्टा टी पे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी एस 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी. ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगी? रो लिक्विड अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी इंटू जी. ये समझ में आया? बोलो भाई, वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है. डेंसिटी क्या होती है? रो लिक्विड अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी. जो पहला वाला किया ना हमने, तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है,
ये डेंसिटी पे इफेक्ट देखा था, डेंसिटी पे नीचे आ रहा था ना, और ये किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, तो गामा भी किसका होगा, लिक्विड का। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, अप थ्रस्ट एट टेम्परेचर टी, अप थ्रस्ट एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी, वन प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी अपॉन वन प्लस गामा लिक्विड। ये समझ में आया बेटा, ये अपथ्रस्ट ओरिजिनल था, ठीक है, क्लियर है। आप चाहो तो इसको नॉट भी लिख सकते हो, ओरिजिनल वन, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर। अब ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, फिर से क्या आ गए, दो गामा। अगर गामा सॉलिड इज इक्वल टू गामा लिक्विड हो गया, अब थ्रस्ट पे कोई चेंज, सो नो चेंज ऑन अप थ्रस्ट, कब, गामा सॉलिड इज इक्वल टू गामा लिक्विड। तो एक्चुअल में ये चार केसेस बनते हैं, एक फ्लोटिंग वाला और तीन इसके, तो चार क्वेश्चन एक ही साथ आ रहे हैं। समझ में आया, कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन चार तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। केस टू, गामा सॉलिड इज ग्रेटर देन गामा लिक्विड, क्या होगा, अप थ्रस्ट बढ़ जाएगा बेटा, एपरेंट वेट क्या होगा, एपरेंट वेट होता था एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट, तो एपरेंट वेट डिक्रीज कर जाएगा। जेई एडवांस का क्वेश्चन एपरेंट वेट पे पूछा, ठीक है। और तीसरा केस है, गामा सॉलिड इज लेस देन गामा लिक्विड, तो नीचे वाला टर्म बड़ा हो गया, अप थ्रस्ट टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कम हो जाएगा, अप थ्रस्ट डिक्रीजेस एपरेंट वेट इंक्रीज। आ गया समझ में, क्लियर है जी। तो ये आपके 8 पॉइंट हो गए, ठीक है। और लास्ट है, बाय मेटालिक स्ट्रिप, बाय मेटालिक स्ट्रिप। ठीक है जी। तो देखिए, मैं आपके सामने एक बाय मेटालिक स्ट्रिप बना रहा हूं। मैंने दो स्ट्रिप ली हैं जिनकी थिकनेस सेम थी, एक मेटीरियल एक्स, अभी हमने इसको कॉपर कह लिया है, और दूसरी हमने ले ली है टंगस्टन, ठीक है, और इनको हमने वेल्ड कर दिया। तो एक स्ट्रिप ये, एक इसी की तरह दूसरी ले लीजिए और इसको इस जगह पे वेल्ड कर दीजिए, ठीक है। दोनों की लेंथ आपको बराबर लेनी है, क्लियर। अब यहां देखिएगा, अल्फा कॉपर नोट कर लीजिए, अल्फा कॉपर की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -5 पर डिग्री सी। हाँ, ये दी हुई होगी बेटा, ये थोड़ी याद करनी होगी। अल्फा टंगस्टन 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -5 पर डिग्री सी, ये आपको दोनों दी हुई, ठीक है, क्लियर। आपने टेम्परेचर को रेस कर दिया, क्या होगा, कौन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कॉपर ज्यादा बड़ा हो जाएगा और टंगस्टन उतना बड़ा नहीं होगा। समझ में आया, तो क्या होगा, जिसका अल्फा ज्यादा है वो ये कॉपर,
ये टंगस्टन, ये इस तरह से बेंड कर जाएगा। आया समझ में? अब देखना बेटा हुआ क्या, ये इसका कहीं पे होगा सेंटर, ठीक है, और इसका ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना दोनों का, जहां पे बेंडिंग वाला पॉइंट था, इसको कहते हैं आर एवरेज, एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको हमेशा मिड पॉइंट से देखेंगे, बिकॉज यहां का रेडियस अलग होगा, यहां का रेडियस अलग होगा, ठीक है, रख कर दो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, मान लीजिए ये एंगल बनता है फाइव, कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा फाइव, कुछ भी कह लो, नाम दे दो, ठीक है। देखो टंगस्टन की जो रॉड है उसमें भी दो लेंथ है, एक ये वाली और एक ये वाली। भाई टंगस्टन ये रहा ना, अगर आप इसको बेंड करेंगे तो ये वाली ज्यादा बढ़ जाएगी और ये वाली कम बढ़ी होगी। सिमिलरली कॉपर की बात करेंगे तो ये वाली ज्यादा बड़ी होगी, ये वाली कम बड़ी होगी, मतलब ये ज्यादा बड़ी होगी, ये कम बड़ी होगी, क्लियर। तो एवरेज कहां पे ले? बिल्कुल बीच पे। तो ये रही क्या टंगस्टन की एवरेज और ये रही कॉपर की एवरेज, समझ में आया? तो आर कॉपर क्या हो गया बेटा? एवरेज, बोलो बोलो, आर प्लस टी बाय टू, ये समझ में आया? टी इसकी थिकनेस थी, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? टी बाय टू। ये जो मिड पॉइंट है ये क्या हो गया? आर प्लस टी बाय टू कॉपर के लिए, ये आर ये था ना बेटा, ये डिस्टेंस था सेंटर से लेके ये रेडियस लिया ना, ये ले ऐसे बना देते हैं, ये आर एवरेज है, ये प्लस टी बाय टू और ये माइनस टी बाय टू, ये समझ में आया? आर टंगस्टन इज आर एवरेज माइनस टी बाय, ठीक है, क्लियर हो गया। एंगल सेम है, ठीक, तो लेंथ ऑफ कॉपर क्या हो जाएगी? आर कॉपर इंटू फाइव, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, और सिमिलरली एल टंगस्टन क्या हो जाएगा? आर टंगस्टन इंटू फाइव, ये समझ में आया? हाँ जी, फाइव फाइव उड़ जाएगा, जरा पहले इसमें वैल्यू रख दूं, क्लियर है? आप में से कोई मुझे बताएगा एयर कॉपर क्या होगा? मैं इसको मिटा दे रहा हूं बेटा, इधर मिटा रहा हूं। हाँ जी, एल कॉपर क्या हो जाएगा? नई लेंथ, डेल्टा टी टेम्परेचर हाई कर दिया था, इसको एल नॉट मान लो, एल नॉट वन प्लस एल्फा कॉपर डेल्टा टी अपॉन एल नॉट वन प्लस एल्फा टंगस्टन डेल्टा टी, ये क्या हो गया? दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर कॉपर, दैट इज आर एवरेज प्लस टी बाय टू इंटू फाइव अपॉन आर एवरेज माइनस टी बाय टू इंटू फाइव, ये समझ में आया?
मैंने आपको पूरा मेथड बताया, इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, फाइनली एक फॉर्मूला निकालेंगे और उसको याद करेंगे, ठीक है। अब अगर बेटा डेल्टा टी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, इफ डेल्टा टी इज नॉट वेरी लार्ज, मतलब 200 डिग्री 300 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, जो जनरली नहीं होता, ठीक है, तो वैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो मैं यहां पे आपका आंसर लिख देता हूं। आर एवरेज की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 5 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, एल नॉट भी कैंसिल हो गया, ये सब हमने माने थे। अब वो चीजें बची हैं जो दी हुई हैं, अल्फा कॉपर आपको पता है, अल्फा टंगस्टन आपको पता है, आर एवरेज आपको निकालना है, थिकनेस आपको गिवन है, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे, मैं डायरेक्टली याद से कर रहा हूं, याद तो मुझे भी नहीं है, टी 2 प्लस अल्फा सी प्लस अल्फा टंगस्टन डेल्टा टी अपॉन 2 अल्फा सी माइनस अल्फा टी इंटू डेल्टा टी, ये सॉल्व करके आ जाएगा। अगर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है कुछ, तो आप ये इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज दी होंगी तो बड़ा आसान हो जाएगा ना, अभी तो सब जो है पूरा एवरेज टी बाई टू के टर्म्स में लिखा हुआ है। अब बेटा अगर ये टर्म बहुत छोटा है तो इसको 2 लिख दोगे खाली, तो सीधे सीधे आपका आर एवरेज क्या आया, देखिए ये इस पर रिजल्ट आता है सीधे, आर एवरेज इज इक्वल टू टी अपॉन 2t, नहीं 2 कैंसिल, अरे ये 10^-5 ऑर्डर का है, ये 100 है, तो ये 10^-3 हो गया, 2.0001 करेगी तब भी क्या आएगा, आगे समझ में क्लियर है बेटा। ये वाला टर्म आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको मत नेग्लेक्ट कर देना, टी बाय अल्फा सी माइनस अल्फा टंगस्टन इंटू डेल्टा टी, ये आपका सीधा सा आंसर आ जाता है। अब इसको नहीं, ये बड़ा आसान सा है, सोचो ना, आप क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर समझना बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होने का मतलब क्या है, बेंडिंग ज्यादा, कई बार यही उल्टा हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़े होने का मतलब फ्लैट होना, इनफाइनाइट होने का मतलब फ्लैट होना, ठीक है। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बड़ा कब होगा, मतलब उसमें बेंडिंग कब मुश्किल हो जाएगी, जब आपका ये थिकनेस जो है बहुत मोटी होगी तो उसकी बेंडिंग में मुश्किल आएगी। तो आर एवरेज इज प्रपोर्शनल टू थिकनेस, जितनी ज्यादा मोटी आपकी स्ट्रिप्स होंगी उतना बेंडिंग में, उतनी बेंडिंग कम हो जाएगी, मुश्किल आएगी कह सकते हैं आप, बिल्कुल मुश्किल आएगी, ज्यादा टेम्परेचर रेस करना पड़े, ठीक है। एक तो ये कहानी हुई। अब बेटा जितना दोनों में क्या होगा, डिफरेंस कम होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, जितना डिफरेंस कम होगा उतनी कम बेंडिंग होगी। तो आर एवरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा सी माइनस अल्फा टंगस्टन, और जितना ज्यादा हीटअप करोगे बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर वाली की लेंथ उतनी ज्यादा बढ़ रही होगी, आगे समझना। तो ये याद रखने का तरीका है। कई बार क्या करते हैं, याद दे देंगे आर एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, आर एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, आर एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा सी माइनस अल्फा टंगस्टन, वहां पे आप इस फॉर्मूले को याद करके कर सकते हैं, आगे समझ, ये याद रख, ये याद रख, नहीं इसका मेथड याद रखो ना, अगर एडवांस में हैवी क्वेश्चन आया तो हैवी आएगा नहीं, वो इतना ही होगा बस, यही हैवी है, क्लियर, आगे समझ, खत्म हो गया, 9 हो गए मेरे ख्याल से पूरे, ये 9 पॉइंट आपके
तो एक दो क्वेश्चन कर लें, लिखिएगा। जैसा क्वेश्चन है मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अ 30 मीटर स्टील टेप इज करेक्ट एट 20 डिग्री सी। अ 30 मीटर स्टील टेप, देखा ना, और खींचते हैं ऐसे करके तो स्टील का टेप होता है, इज करेक्ट एट टेम्परेचर 20 डिग्री सी। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स measured by the tape at 35 degree C is 26 meter. Calculate the true distance if alpha steel is 1.2 into 10 to the power minus 5 per degree C. फॉर्मूला याद है? आपको क्या निकालना है? ट्रू वैल्यू। किया जाएगा ठीक है। हाँ मैं वही आपको दिखाना चाह रहा हूं बेटा कि वो बहुत ज्यादा फर्क आता नहीं। 26 ये आपका जाएगा 1 प्लस 1.2 इंटू 15 इज 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ठीक है। क्लियर? तो ये आपका जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 26 पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो 15 डिग्री पे भी बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। हाँ चेंज आता है, ये बात सही है, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। तो आप इतना तो आप जो है वैसी एरर आती है आपकी मेजर करने में। क्लियर? बट क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं लिख देना। हाँ नेक्स्ट लिखिएगा। अ स्टील रिंग ऑफ 3 सेंटीमीटर इनर डाया, अ स्टील रिंग ऑफ 3 सेंटीमीटर इनर डाया एट 20 डिग्री सी इज टू बी हीटेड and slipped over a brass shaft of 3.002 सेंटीमीटर ठीक है। अल्फा स्टील आपको दिया हुआ है। फाइंड द टेम्परेचर अप टू विच Find the temperature up to which steel ring should be heated. कितना temperature steel ring को दिया जाए कि वो इसके ऊपर चढ़ जाए ठीक है। तो
मिनिमम निकालना है आपने, ये नहीं कि आपने कहा बड़ा कर दिया फिर तो डाल ही देंगे। अल्फा एस गिवन है, क्वेश्चन समझ में आया? तो इसमें क्या किया जाता है बेटा, जो गियर वगैरह भी होते हैं ना जिसमें आपको लॉकिंग चाहिए होती है, स्लिपिंग नहीं चाहिए होती, तो उसमें जो आपकी गियर जो है उसका जो रेडियस है या डाया कह लीजिए वो थोड़ा सा कम रखा जाता है, और उसको गर्म करते हैं तो बड़ा हो जाता है। इसके अंदर शैफ्ट डाली, जैसे ही वो ठंडा होगा वो क्या करेगा, इसको लॉक टाइट कर देगा, बिल्कुल इतना टाइट हो जाएगा कि फिर आपको गर्म करके ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज वो टूट जाएगा, है सर? ओके, मैंने तो निकाल लिया, मैंने तो निकाल लिया। हाँ थाउजेंड अपॉन 18 क्या आया? डेल्टा टी आया बेटा, टी निकालना, थाउजेंड अपॉन 18 दैट मीन्स 500/9, 500/9 इज 55.55, बिल्कुल ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप डेल्टा चेंज लिख लीजिए, डाया में कितना चेंज आया, 0.002 इज ओरिजिनल डाया इंटू एल्फा इंटू डेल्टा डी, क्लियर? अब क्योंकि अगर आप 3.002/3 करोगे तो फिर वो लंबा बच जाएगा। अब आप इसको लिख दीजिए 2 × 10⁻³ अपॉन 3.6 × 10⁻⁵, इसको सॉल्व करेंगे 200/3.6, 2000/36, 500/9, 500/9 इज 55.55, लेकिन ये डेल्टा टी आया और ये आंसर पक्का दिया होगा, टी माइनस 20 इज 55.55। उसने पूछा था स्टील रिंग को किस टेम्परेचर तक रेस किया जाए, तो 20 से ऊपर ले जाना पड़ेगा 55.55, यानी आंसर क्या आएगा 75.55 डिग्री, इज इट क्लियर? ठीक है जी,